नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें। नारायण नारायण, नारायण नारायण का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। नारायण नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। हमारी प्रार्थना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लीजिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात ही हमारे अनुकूल हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। अपना हाथ थमा दीजिए, नारायण नारायण बोल दीजिए। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सत्र की शुरुआत एक ऐसे प्रसंग के साथ जिसके लिए किसी ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हेल्थ की बाबत भी कुछ टिप्स दीजिएगा, ताकि हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जब सत्संग में कोई बात सुनते हैं तो वो चीज़ें आसानी से भीतर उतर जाती है और अमल में भी लाई जाती है। तो पहला प्रसंग तो उन्हें समर्पित, जिन्होंने डिमांड कर रखी थी, और इसके बाद दो प्रसंग आप तक और पहुँचाए जाएंगे। ये तो निश्चित है कि हम सभी एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं और हमेशा इस फिराक में रहते हैं, इस चाह में रहते हैं कि अपने इस जीवन को और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बनाएं, चाहे लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं या लाइफस्टाइल को, दोनों चीज़ें हम बेहतर बनाना चाहते हैं। और हर किसी की कामना, चाहना इस बाबत अलग अलग हो सकती है। तो जो बाद के जो दो प्रसंग आप तक पहुंचाए जाएंगे वो सिर्फ प्रसंग सुनाकर हम छोड़ने वाले हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको अपने आप लेनी है कि क्या संदेश इस प्रसंग के माध्यम से हमें ग्रहण करना है, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग है ना। और कितनी अच्छी व्यवस्था है, नारायण की कह लीजिए, प्रकृति की कह लीजिए, कि जो चीजें सत्संग में आप सुनते हैं उसे अमल में लाने के लिए आपके पास एक महीने का समय होता है।
अमल में लाते हैं सफलता निश्चित है। क्योंकि जो चीजें आप तक पहुंचाई जाती है पूरी टेस्टिंग करने के बाद ही पहुंचाई जाती है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है कि करके देखिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं और जब मालूम है कि चीज़ें एकदम जेन्युइन है आप फॉलो करेंगे और असर होना ही होना है, उसके बाद ही स्टेज पर से ये चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं। कह लीजिए आपको रेडीमेड थाली मिलती है, आपको सिर्फ अमल मिलाना है। सफलता यानी जो आप जो आपकी चाहना है वो आप आसानी से सरलता से पा सकते हैं। तब जब जो चीज़ें आपने सुनी और समझी सत्संग में उसे आपने अमल में लाई। चलते हैं आगे। पहला प्रसंग किसी के रिक्वेस्ट पे है, वो प्रसंग पहले आप तक पहुंचाते हैं। श्रीमती बबीता जी लिखती हैं, जो कि एक एक्सपर्ट है, काउंसलर है हेल्थ की बाबत, लिखती हैं, मेरे एक परिचित केशव ने अपने लिए गोल सेट किया कि 3 महीने के भीतर मुझे 15 kg वजन कम करना है, क्योंकि उसका वजन बढ़ता जा रहा था। और जो ही उसने गोल सेट किया तुरंत ही काम करना भी शुरू कर दिया, डाइट फूड करना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरे नियम के साथ। नतीजा ये रहा कि 3 महीने के अंदर उनका 17 kg वजन कम हो गया। और संयोग से एक गेट टुगेदर में श्रीमती बबीता जी लिखती हैं कि मेरा उनसे मिलना हुआ और मैं केशव को देखकर दंग रह गई। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फुर्ती, उसका उत्साह, भाग भाग कर काम कर रहा था। क्योंकि इसके पहले जब मैं उससे मिली थी तो उसे देखकर मुझे ऐसा एहसास होता था जैसे ये अपने शरीर को ढोता हुआ आगे सरक रहा है, घसीटता हुआ आगे सरक रहा है, और आज इतना बड़ा परिवर्तन देखकर अच्छा भी बहुत लगा। और साथ ही साथ ये भाव भी भीतर आया कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करने का ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आगे लिखती बबीता जी कि इसके बाद एक लंबे समय तक केशव का मेरे पास कोई समाचार नहीं था। एक दिन की बात, मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी, किसी ने मुझे आवाज़ दी, गर्दन उठा के देखी तो सामने केशव खड़ा था। आज फिर मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे पहले देखा, यदि मैंने उसे पहले देखा होता तो शायद मैं उसे पहचान नहीं पाती। थुल थुल शरीर, पेट आगे निकला हुआ, फूले हुए गाल, वैसे ही शरीर को घसीटता हुआ सहारा था। मैं सोच में पड़ गई, इसे हुआ क्या? 4-5 महीने पहले जब मैं मिली थी दुबला पतला स्लिम ट्रिम फुर्ती से भरा हुआ, और आज ये अवस्था। उससे जब बातचीत की तब सार ये निकला कि जब उसने गोल सेट किया था कि 3 महीने के भीतर मुझे 15 kg वजन कम करना है, उस वक्त तो पूरी शिद्दत के साथ जुट गया और जो ही टारगेट हासिल कर लिया, 17 kg वजन कम कर लिया, ढील छोड़ दी। सबसे पहले जंक फूड डाइट फूड छोड़ा, जंक फूड खाना शुरू किया, फिर एक्सरसाइज छोड़ी, वॉक छोड़ी, जिम छोड़ी, या कुछ नहीं करता है। नतीजा पिछले 4-4.5 महीनों में उसने जो पहली बार 17 kg वजन कम किया था, इन पिछले 4.5 महीनों में उसने 22 kg वजन गेन कर लिया। लिखती है श्रीमती बबीता कि जब मैं केशव से मिलकर वापस अपने घर लौट रही थी, मेरे जेहन में केशव ही घूम रहा था, कहाँ दुबला पतला, कहाँ हेल्दी। और मुझे ये भाव भीतर आ रहा था कि क्यों हम अच्छी आदतों पर टिके नहीं रह पाते। आगे लिखती है श्रीमती बबीता, जो कि एक्सपर्ट है, कि हम में से सारे लोग
वॉकिंग के फायदे जानते हैं, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जानते हैं, सुबह जल्दी उठने के फायदे जानते हैं, सात्विक भोजन करने के फायदे जानते हैं, और जब किसी के मुख से सुनते हैं ये चीज अच्छी कोई कर रहा है फॉलो, उसके मुंह से सुनते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं कि कल से हम भी करेंगे और करना शुरू कर देते हैं। हमारे नए साल का रिजोल्यूशन भी सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, कल से एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे एटसेट्रा, लंबी लिस्ट बनाते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन पूरी फुर्ती के साथ करते हैं और धीरे धीरे छोड़ देते हैं और वापस वो चीज पकड़ में नहीं आती। लिखती है बबीता जी कि क्यों अच्छी आदतें हम कंटिन्यू नहीं रख पाते, क्यों सफलताओं को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे केशव ने अपना टारगेट अचीव किया, सफलता पाई, पर उसे मेंटेन नहीं कर पाया, नहीं रख पाया। मेंटेन अच्छी आदतों को कंटिन्यू रखने के लिए, सफलताओं को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना होगा। नियमितता बरतनी होगी, रेगुलर हमें अच्छी चीजें करनी होगी। इसे करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, व्हील पावर चाहिएगा। लिखती है बबीता जी किसी भी चीज को नियमित करने के लिए आपको व्हील पावर की जरूरत है, और जितने व्हील पावर की आपको जरूरत है किसी चीज को नियमित रखने के लिए, उतना व्हील पावर आपके भीतर है। और जब कोई चीज आप नियमित करना शुरू कर देंगे, शुरू में आपको व्हील पावर की जरूरत होगी इससे कोई भी चीज को नियमित करने के लिए, नियमित रखने के लिए। जब एक बार आप उस चीज पर नियमित हो जाएंगे तो ये नियमितता आपके व्हील पावर को इंक्रीज करती चली जाएगी। अब नियमित होने के लिए हमें क्या करना होगा कि अच्छी आदतें नियमित रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये कि जो कुछ आपने करने का ठाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि हम कल से रोज आधा घंटा वॉक करेंगे, आपने ठाना है, आपको बारंबार अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि जो मैंने ठाना है मैं उस पर डटे रहूंगी, करूंगी मतलब करूंगी, करना है मतलब करना है, नंबर वन। सेकंड, जब आप शुरू कर दिए वॉक करना तो कई चीजों का आपको सामना भी करना होगा, उन चीजों को आपको स्वीकारना भी होगा। जैसे आपने वॉकिंग शुरू की क्योंकि हैबिट नहीं आपके शरीर को, शरीर में दर्द होना भी स्वाभाविक है, आपको आपका थकना भी स्वाभाविक है। ये दोनों चीजें श्रीमती बबीता लिखती हैं कि आपको स्वीकारना होगा कि हम थकेंगे भी और हमें आराम की भी जरूरत होगी, आपको ये चीजें स्वीकारनी होगी और आगे बढ़ना होगा। लिखती बबीता जी कि जिनसे भी जो कोई भी व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं करता, ना एक्सरसाइज करता है, ना वॉक करता है, कुछ भी नहीं करता, यदि आप उससे पूछते हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ करते क्यों नहीं, उनका एक ही जवाब होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे प्रोफेशनल्स हो, कि टाइम के दर टाइम ही नहीं है, व्यस्त जीवन चल रहा है। पर अब जब मोटिवेट होकर आपने डिसाइड किया कि आधा घंटा वॉक करेंगे, तो स्वाभाविक है उस दौरान भी आपको घर के काम या दूसरे काम नजर आ सकते हैं, पर उस वक्त भी आपको यही स्वीकारना होगा कि मेरे घर के काम दूसरे काम बाद में हो सकते हैं, वॉक बाद में नहीं हो सकती, वॉक अभी जाना है। नंबर थ्री, बारंबार अपने आप से कहते रहें जो मैंने ये करने का ठाना है, वॉकिंग है या एक्सरसाइज है,
ये मुझे और स्वस्थ करेगी और रखेगी। मेरा स्टैमिना बढ़ेगा, मेरे शरीर की फुर्ती बढ़ेगी। ये एफर्मेशंस आपको मोटिवेट रखेंगे, नियमित एक्सरसाइज या वॉक जो भी आपने करने का ठाना है उसे करने के लिए। सेकंड चीज, जैसे NRSP लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमसे मिलकर ये कहते हैं कि हमने हमारी वॉक के साथ या एक्सरसाइज के साथ राम राम की माला जोड़ रखी है। इतनी माला हम काउंटिंग कर लेते हैं और अब ये अवस्था उनकी हो गई है कि वॉकिंग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वो छोड़ते हैं तो माला छूटती है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर। तो जो लोग नए हैं, नहीं समझ पाए इस पद्धति को, तो वॉक करते करते माला जोड़ लीजिए। आपकी 20 है, 25 है, 30, एक मिनट एक माला को लगता है, उतने राउंड हो जाएंगे उतनी देर की आपकी वॉक हो जाएगी। और ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि अब आपको माला करना जरूरी है तो वॉक भी जरूरी है। आगे एक चीज और, जब मोटिवेट होते हैं हम लोग तो एक साथ कई सारी चीजें हम करना चाहते हैं, वॉक भी करना चाहते हैं, एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, डाइट भी करना चाहते हैं। जैसे केशव ने ढेर सारी चीज जमा कर ली, लिखती बबीता जी एक साथ बहुत सारी चीजें मत करिए क्योंकि आगे वो निभा नहीं पाएंगे। थोड़े थोड़े से शुरुआत करिए। वॉकिंग आपने शुरू की है 20 मिनट 25 मिनट, एक्सरसाइज शुरू करी है 20 मिनट 25 मिनट, ताकि इसे आपको कंटिन्यू रखने में आसानी हो, सरलता हो। ये टिप्स तो दिए श्रीमती बबीता जी ने। आगे लिखती बबीता जी कि अब हमारे जीवन में आने वाला हर नया दिन ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना लाभ उठा पाते हैं अपने आप को चमकाने के लिए। लिखते हैं श्रीमती बबीता जी कि आपको समय तो निकालना ही होगा अपने आप को निखारने के लिए। आगे उनका कहना ये है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है जो उसे साधारण से असाधारण की श्रेणी में पहुंचाने की ताकत रखती है। कौन सी चीज है वो? वो चीज है नियमितता। यदि कोई अच्छा कार्य आप नियमित करते हैं तो आप साधारण से असाधारण की श्रेणी में पहुंचने की ताकत रखते हैं। नियमितता आपको सफलता भी दिलाएगी और सफलता को मेंटेन रखना भी सिखाएगी। लिखती है श्रीमती बबीता जी कि एक्शन लेना, किसी ने सही लिखा है कि आपका एक्शन लेना दरवाजे खोलता है और नियमितता उन दरवाजों को हमेशा के लिए खुला रखती है। तो चार टिप्स दिए बबीता जी ने कि जो आपने सोचा है उस पर डटे रहिए कि आधा घंटा वॉक करना है तो करना ही है। इस दौरान जो चीजें बीच में आती जाएगी स्वीकार करते जाइए, करना है मुझे, घर के काम साइड में रखने हैं, इसको करना है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, जो सत्य घटना है, वो शेयर करना चाहूँगी कि नियमितता किसे कहते हैं। हम एक शादी में गए हुए थे, सुबह वहाँ पर पहुँचे, मारवाड़ी तबका होगा तो भात का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर, आप लोग समझते हैं भात फंक्शन एक चल रहा था। वो फंक्शन जो ही ख़त्म हुआ, लंच की व्यवस्था कर दी गई। जब लंच हो गया और मुझे वहाँ से वापस मुंबई के लिए रवाना होना था, तो मेरा मन था कि जो दुल्हन की माँ है उससे मिलकर वहाँ से विदा कर लूँ, क्योंकि शाम को रिसेप्शन तक रुकने की हमारी तैयारी नहीं थी। जब वो मुझे दुल्हन की माँ कहीं दिखाई नहीं दी तो हमने दुल्हन की बुआ से पूछा कि दुल्हन की माँ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे उनसे मिलकर वापस मुंबई रवाना होना है। उसने धीमे से मुझसे कहा कि भाभी को आधा पौना घंटा लगेगा, वो जिम गई है। हम सुनकर दंग रह गए
कि 4 बजे का गोधूली का फेरा है। अभी भारत के प्रोग्राम में एकदम तैयार, हमने आधे पौने घंटे पहले उसे देखा ही था। हमको लंच सर्व करके गई है। कब गई, कब आई, और हमारा रुकना ज़रूरी था कि उनसे विदा लेकर ही निकलेंगे। हमने वेट की, आधे पौने घंटे बाद वो आई, पर ड्रेसअप वैसे साड़ी थी, ऐसे पता नहीं चल रहा था, किसी को पता नहीं चला कि वो जिम जाकर आई है। हमने आश्चर्य भी व्यक्त किया कि इतने इसके बीच आपको भी गोधूली के फेरे भी हैं, इस बीच भी आप जिम होकर आ गए। बोला मेरे को आदत है। पर व्यवस्था उसकी इतनी बढ़िया थी कि किसी को भी पता नहीं चला कि वो जिम होकर आई है, 1 घंटा निकल कर आई थी। अब सोचिए, इससे अधिक पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। और एकदम शांति से यदि वो उस अवस्था में भी नियमितता निभा पाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी कर सकते हैं। और कईयों को हमने ये भी दिखा, हमारे कई साधिकाओं को भी, हम लोग जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और जब पता होता है हमें कि यहाँ पर इस स्टेशन पर ट्रेन 5 मिनट तो एटलीस्ट रुकेगी, उन लोग वहाँ नीचे उतर कर वॉक करना शुरू कर देते हैं, इतने कि एक बार कम से कम आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट सही, 5 मिनट सही। जब वो ऐसा कर सकते हैं, आप और हम भी वैसा कर सकते हैं। अभी अगला प्रसंग, और हमारी आपसे बात हो चुकी है कि आपको जो सार लेना है, संदेश लेना है स्टोरी में से, आपको खुद को लेना है। हम सिर्फ प्रसंग सुनाकर आपको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने इस जीवन को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाना है।